नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन क्वेश्चन वन वन में हम क्या कह रहे हैं एल एम एन आर थ्री पैर लाइन इंटरसेक्टेड बाय बाई ट्रांसवर्सलो एल एम एन आर थ्री पैरल लाइन और पी एन क्यू दो ट्रांसवर्सल हैं सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एन बी सी ऑन पी तो हमें बोला जा रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है ठीक है नाउ वी हैव टू शो दैट एल एम एन एन

ऑलरेडी फिगर में ही हमें एक लाइन ड्रॉ करी हुई है ए एफ राइट तो मतलब इसको प्रॉब्लली हम यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं सी अब पे हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ए सी एफ समझ आ रहा है ए सी एफ हमने देखा अब ए सी एफ का ये ए सी का मिड पॉइंट है बी कैसे मिड पॉइंट है क्योंकि ये इक्वली समय डिवाइड हो रहा है राइट right? और जो बी जी है बी जी दिस इज पैरल टू सी एफ राइट क्योंकि M is parallel to N, right? so midpoint theorem से से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाले की मिड पॉइंट भी मिलती है राइट मतलब जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ लेट्स राइट दिस थिंग्स डाउन लेट्स लुक एट ट्राइंगल ए सी एफ वी हैव B is the midpoint midpoint of A C and we also know that B G is parallel to C F kyon kyon m is parallel to n. So by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, we can say that G is the midpoint. ऑफ ए एफ तो जी यार मिड पॉइंट ए एफ का तो ए जी इज इक्वल टू जी एफ हो गया राइट right? नाउ में बट प्रूव क्या करना है डी को हमने ई एफ के इक्वल प्रूव करना है राइट right? तो हमें अब ये ट्राइंगल देखते हैं एफ ए डी एफ ए डी ठीक है लेट्स लुक एट ट्राइंगल एफ ए डी इसमें हमें अब पता क्या लग गया कि एफ जी जो है हमारा जी ए के इक्वल है ये वाला ठीक है सो नाउ वी हैव जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड वी आल्सो नो दैट जी पैरेलल टू ए डी क्यों क्योंकि एम इज पैर टू एल सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियोरम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन से दैट सो ये प्रूव करना था हमें

शो दैट द क्वार पी क्यू आर एस रेक्टेंगल तो हम लेट्स इनको कनेक्ट कर देते हैं पी क्यू और अब ये जो हमारा बना है इसको हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है ठीक है सो गिवन क्या हमारा ए बी सी डी से रॉम्बस तो रॉम्बस होने का क्या मतलब होता सारी है सारी साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स के हैं पैरल हैं ठीक है एंड वी नीड टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव करते हैं अच्छा तो और हमें क्या गिवन है पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स राइट पी क्यू आर एस को हम रेक्टेंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें होती हैं एक तो हमें पैलल लो ग्राम करना पड़ता है तो मतलब अगर हम पी क्यू को पैरेलल टू आर एस कर दें और तो बड़े सारे तरीके होते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के बट लेट्स से कि यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ पी क्यू को पैरेलल और पी क्यू को इक्वल टू आर एस वो मेरा सिंपल होगा क्योंकि यहाँ पे अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ तुम सोच सकते हो अभी मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे मिड पॉइंट से यूज़ करने वाला हूँ तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करने वाला हूँ तो मैं ऐसे पहले लोग राम प्रूव करूंगा और क्या प्रूव करना है हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है राइट तो इनमें से कोई भी एंगल लेट से मैं ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करूँगा एंगल पी एस आर इज इक्ल्स टू नाइन्टी डिग्री ठीक है तो प्रूफ में सबसे पहले तो मेरी कंस्ट्रक्शन आ गई कंस्ट्रक्ट दैट द डायगनल डी बी ठीक है तो ये डायगनल है डी बी यहाँ का नाउ लेट्स लुक एट ट्राइंगल डी ए बी ट्राइंगल डी ए बी में अगर तुम देखोगे तो एस पी जो है ये मिड पॉइंट कनेक्ट कर लें ठीक है सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी विल हैव एस पी पैरल टू डी बी एंड वी ऑल्सो हैव एस पी इज इक्वल्स टू न बाय टू डी बी राइट बाई मिड पॉइंट थियोरम ठीक है नाउ सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल डी बी सी कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आर क्यू पैरल टू डी बी एंड वर क्यू इज इक्वल टू वन बाय टू डी बी राइट सो फ्रॉम दिस टू थिंग्स दिस एंड दिस वट कैन वी से वी कैन से दैट sp is parallel to rq and we can also say that sp is equals to rq ठीक है क्योंकि दोनों सेम है तो ये दोनों चीजें हमारी प्रूव होगी सो so, एस पी हमारा आर क्यू के पैरल भी है और इक्वल भी है तो किसी क्वार्टिलेटर में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरल और इक्वल होती हैं सो वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ पैलो पेलेलोग्राम तो हमारा प्रूव हो गया अब हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है अब इसमें मैंने क्या करना था इसमें मैंने सोचा था कि मैं पी को आर के ओ करूँगा बट मैंने ये कर दिया और यहाँ पर मैंने सोचा था इनको आपस में इक्वल प्रूव करूँगा बट मैंने यहाँ पर ये करा है ठीक है सो एक ही बात है सो इग्नोर दैट अल्टीमेटली मेरा पेलेलोग्राम प्रूव हो गया ठीक है अब मुझे एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है तो अब कैसे करें हैं? नाउ इसमें हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हमें एक थ्योरम याद है भी याद करने की कोशिश करो कि जो रामबस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे ठीक है बाइसेक्ट भी करते हैं और इंटरसेक्ट जब करते हैं जो उनका पॉइंट होता है लेट से ओ है तो ये 90 डिग्री पे करते हैं सो so, इसको प्रॉब्लली यूज़ करके मैं कुछ कर सकता हूँ लेट से अगर मैं इन सबको इसको मैं ई e बोल देता हूँ इसको मैं एफ बोल देता हूँ तो अगर मैं एस सी ओ एफ को पैलेलोग्राम बना दूँ तो मेरा एस जो एंगल है वो के इक्वल हो जाएगा वो मुझे पता है नाइन्टी डिग्री है तो मेरा एस एंगल जो है नाइन्टी डिग्री प्रूव हो जाएगा राइट तो इनको पैलेलोग्राम कैसे बना सकता हूँ अब मुझे ये तो पता है कि जो एफ ओ है अब ये पार्ट मैं यहाँ पे अलग से स्पेस में करता हूँ मुझे ये तो पता है कि एफ ओ इज़ पैरेलल टू एस ई राइट right? कैसे है क्योंकि एस जो था हमारा वो पैरल था डी के राइट right? तो ये तो उन दोनों के पार्ट ही हैं पैलल हैं नाउ व्हाट अबाउट एस सो पहले तो हम ये ट्रायंगल देखते हैं ए डी सी इस ट्रायंगल ए डी सी में एस और आर मिड पॉइंट्स हैं राइट डी सी और ए डी के सो बाय पॉइंट वी हैव तो तुम पूरी डिटेल लिखना मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस आर पैरल टू ए सी बाय पॉइंट राइट अगर एस आर ए सी के पैरल है तो इसका मतलब एस एफ इज पैरल टू ई राइट सो एफ ओ इज पैरल टू एस सी एंड एस एफ इज पैरल टू ई सो फ्रॉम दीस टू वी हैव एस ई ओ एफ इज अ पैरलेलो राइट दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरल सो दिस इज अ पैरलो सो so, पहला लोग में क्या होता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सो so, एंगल एफ एस ई इज इक्वल टू एंगल एफ ओ इज इक्वल टू एंगल नाइन्टी क्योंकि एफ ओ ई तो नाइन्टी डिग्री है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ फ्राम बस इंटरसेक्ट एट नाइन्टी डिग्री इंटरसेक्ट ई अदर एट नाइन्टी डिग्री राइट सो so, हमारा एफ एस सी हमारा नाइन्टी हो गया सो so, इसका मतलब क्या है हमारा Up fse is same as angle rsp right 90 degree so from this and from this we can say that pqrs is a rectangle